हेलो फ्रेंड्स, कविता स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे 32 इंची सीना का ब्लाउज कटिंग करेंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से आपके पास पीस होगा तो इसको कैसे कटिंग करें। तो ये देखिए, यहाँ से हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये देख सकते हैं ऐसे करके। अब यहाँ से ये देख सकते हैं ये बंद साइड है तो हमारे तरफ रहेगा और ये खुला साइड है सो उधर रहेगा। जब भी हम कटिंग करेंगे तो ऐसे ही कटिंग करेंगे। तो पहले हम पीछे का पल्ला कटिंग करेंगे, फिर हम आगे का पल्ला कटिंग करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में आया है ब्लाउज का लंबाई है 13 इंची, सीना है 32 इंची, कमर है इसका 28 इंची, आगे का गला 6 इंची होगा, पीछे का गला 9 इंची होगा, 9.5 इंची। तो इसको कैसे कटिंग करें, तो यहाँ से हमारा जितना भी ब्लाउज का लंबाई होगा उससे 1 इंची ज़्यादा लेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 14 इंची पर, 14 इंची यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम इसका तीरा लेंगे 5 इंची पर यहाँ से निशान लगाएंगे। इसका आर्म होल लेंगे बिल्कुल 5 इंची, यहाँ पर आ रहा है यहाँ से निशान लगा देंगे। इधर से भी देख लेंगे, इधर से आ रहा है 5 इंची एक सूता, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5.25 इंची कर दे रहे हैं। अब यहाँ से हमारा पीछे का पल्ला है तो हम यहाँ से 1 इंची पर गोलाई बनाएंगे। तो इसको हम यहाँ से ऐसे ले जाएंगे गोलाई। अब यहाँ से आते हैं इसका सीना, इसका सीना है 32 इंची तो 1/4 8 इंची यहाँ पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम 2 इंची सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ पर नीचे भी हम लेंगे। इसका कमर है 28 इंची तो यहाँ से लेंगे 7 इंची और 1 इंची हमारा टेकिंग डालने के लिए, और यहाँ से हमारा 2 इंची सिलाई मार्जिन। तो इस निशान को यहाँ से ऐसे सीधा कर देंगे और ये वाला निशान से यहाँ मिला देंगे, ये देख सकते हैं। अब यहाँ से आते हैं गला, गला हमारा नॉर्मल 2 इंची पर बनेगा तो यहाँ पर 2 इंची और यहाँ से हमारा पीछे का गला है तो यहाँ से हम बनाएंगे 9 इंची या 9.5 इंची पर निशान लगाए, 9 या 9.5 इंची, मैं यहाँ पर 9.5 इंची पर लगा रही हूँ। अब यहाँ से देखिए, ऊपर हमने 2 इंची लिया है तो नीचे हम यहाँ से 2.25 इंची पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम इसको ऐसे करके गोलाई बनाएंगे, देख सकते हैं। अब इसी पर हमारा कटिंग होगा, तो देख सकते हैं पीछे का निशान पूरा लग चुका है, इसी पर हमारा कटिंग होगा। इसको साइड कर देंगे। अब यहाँ से हम आते हैं गला कटिंग करेंगे। देखिए कितना फिनिशिंग से हमारा कटिंग हो रहा है, आप भी ऐसे ही कटिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपका भी ब्लाउज कटिंग होगा। और ये देखिए, यहाँ से हम पीछे के पल्ले में ऐसे करके टेकिंग डालेंगे तो यहाँ पर आएगा बीच सेंटर। तो ये देख सकते हैं, जब भी आप भी कटिंग करें तो इस तरह से कटिंग करें तो ये टेकिंग बिल्कुल बराबर में आएगा। इस तरह से हमारा पीछे का पल्ला कटिंग हो चुका है। अब हम आगे के पल्ला की तरफ आते हैं, तो देखिए इतना ही कपड़ा में हमारा आगे पीछे का पल्ला दोनों कटिंग हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं, ये हमारा हो गया, ये कटिंग वाला पार्ट आ गया हमारे तरफ और जो नहीं कटा हुआ है वो उधर आ गया। अब यहाँ से आते हैं इसका लंबाई, तो देखिए पहले हम यहाँ से ऐसे करके सीधा निशान लगा देंगे ऐसे करके। अब यहाँ से लेंगे इसका लंबाई, तो ये देखिए यहाँ से हम इसका लंबाई निकालेंगे। जैसे कि हमने पीछे के पल्ला लिया है 14 इंची पर, तो आगे का पल्ला हम 1 इंची ज़्यादा लेंगे 15 इंची पर, तो तभी हमारा ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब ये देखिए, ये हमारा थोड़ा सा कपड़ा बड़ा छोटा आ रहा है तो इसको हम पहले सीधा निशान लगा देंगे। अब यहाँ से आते हैं इसका आर्म होल बिल्कुल 5 इंच, यहाँ से तीरा लेंगे 5 इंची और इसका आर्म होल भी लेंगे 5 इंची, यहाँ से ऐसे सीधा कर देंगे और यहाँ से भी, इधर से भी देख लेंगे बिल्कुल 5 इंची होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल 5 इंची है और यहाँ से 1/2 इंची पर हम इसका गोलाई बनाएंगे। तो 1/2 इंची यहाँ पर आ रहा है, यहीं से हमारा ऐसे करके गोलाई बनेगा। अब यहाँ से आते हैं इस निशान से, यहाँ से 8 × 4 = 32 इंची 8 इंची और यहाँ से 2 इंची सिलाई मार्जिन। नीचे भी लेंगे हम यहाँ से 8 इंची
और 2 इंची सिलाई मार्जिन। यहाँ पर आ गया, इस निशान को यहाँ से मिला देंगे और इस निशान को यहाँ से मिला देंगे। अब यहाँ से लेंगे गला। गला जैसे हमारा पीछे के पल्ला में 2 इंची पर है, सेम वैसे ही आगे के पल्ला में ही 2 इंची पर रहेगा। और गला का गहराई देंगे 6 इंची। इस निशान को यहाँ से एक बॉक्स बना देंगे। ये देख सकते हैं ऊपर हमारा 2 इंची था, तो नीचे भी हमारा थोड़ा सा बच ही नहीं होगा, 2.25 इंची। इसको हम यहाँ से लाएंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे बुलाएंगे। अब यहाँ से आते हैं इसका टेकिंग हम यहाँ से लेंगे 10 इंची। 10 इंची यहाँ पर निशान लगा दिए। हमारा बीच सेंटर है, यहाँ से हम इसको बीच में रख देंगे। अब यहीं से हमारा टेकिंग लगने का स्टार्ट होगा। तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। अगर आपको ऐसा देख सकते हैं इसका फिनिशिंग, अगर इस तरह से नापने में दिक्कत हो रहा होगा तो बिल्कुल ऐसा ही आप भी बना सकते हैं। यहाँ से ऐसे करके ये वाला टेकिंग डालना है। तो ये देख सकते हैं ये टेकिंग आधा आधा इंची पर बनेगा, ये टेकिंग हमारा 1 इंची पर बनेगा। तो इस तरह से हमारा पूरा निशान हो चुका है, इसी पर हमारा कटिंग होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, और भी कुछ सीखना होगा तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए जब भी बताती हूँ मैं बिल्कुल परफेक्ट बताती हूँ। अब ये देखिए यहाँ से हमारा ये बीच का सेंटर का कपड़ा कटिंग हो जाएगा। ये जो बड़ा छोटा था वो कपड़ा कटिंग हुआ है, तो इस तरह से हो चुका है। अब देखिए सेम इधर भी निशान उगाने के लिए क्या काम करेंगे कि इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ से ऐसे करके रख देंगे। अब यहाँ से देखिए हल्का हल्का उग गया है, इसी पर हम डार्क कर देंगे। अब यहाँ से आते हैं बाजू का। तो ये देखिए बाजू कैसे बनाना है बिल्कुल परफेक्ट, ताकि आपको बड़ा छोटा बाजू ना हो। यहाँ से ऐसे इसका गोलाई नापना है। तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है 7 इंची। 7 का डबल करेंगे तो हमारा 14 इंची का बाजू का गोलाई होगा। तो ये देखिए ये कपड़ा हमारा बाजू का है, इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से इसका बाजू का लंबाई निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 इंची, ताकि ये 3.5 इंची का बाजू का लंबाई बनेगा। इधर से भी 4 इंची। अब इसमें हम 3 इंची कम कर देंगे। यहाँ पर आ गया, इसको हम यहाँ से ऐसे लाएंगे। ये देख सकते हैं 2 इंची 2.5 इंची सीधा लाना है, उसके बाद घुमा देना है। अब यहाँ से इसका गोलाई आप चाहे तो ऐसे नाप भी सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है 7 इंची, और बाजू का गोलाई भी अभी यही नाप लेते हैं। 5.5 का डबल करेंगे तो 11 इंची हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पूरा नापी हो चुका है, पूरा निशान भी हो चुका है। देखिए कम से कम समय में हमने आपको बताने का कोशिश किया। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। और ये देखिए इसको बाजू को कटिंग करने के बाद ये हमारा बीच का सेंटर है, और यहाँ से 1 इंची छोड़ते हुए यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे। ये देख सकते हैं यहाँ से हम इसको ऐसे करके कट का निशान लगा देंगे, ताकि हमारा ये बीच सेंटर रहेगा। तीरा पर जोड़ेंगे और ये कट भी लगा देंगे, ताकि ये आगे पल्ले में जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा कटिंग का वीडियो कंप्लीट। मिलते हैं अगली कटिंग में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।